बुरहानपुर जिले का शाहपुर नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ हमेशा कोई न कोई फर्जीवाड़ा सामने आता रहता है। यहाँ फिर एक मामला सामने आया जहाँ पीएम आवास की किस्तों को लेकर भाजपा कांग्रेस सामने सामने है। बता दें कि वर्तमान में शाहपुर परिषद में भाजपा की सत्ता है। आए दिन भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान चालू है। मामला चाहे शाहपुर फोपनार मार्ग का हो या पेड़ कटाई का हो या फिर घटिया निर्माण का, दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब मामला प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त का है जो हितग्राहियों के खाते में एक साल बाद भी नहीं डाली गई। मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर परिषद के अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के मुकेश बुंगाल ने बताया कि एक साल से अधिक बीत जाने के बाद भी 87 हितग्राहियों को किस्त अब तक नहीं डाली गई है। लोग 10% से पैसा उधार लेकर किराए के मकान में रह रहे हैं और इनकी परेशानी देखकर हम परेशान हैं। अगर जल्द तीसरी किस्त नहीं डाली गई तो हम लोग नगर परिषद का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस के किशोर देशमुख, कैलाश आसेराकर और विष्णु हांगड़े, बामन राव आसासिने ने भी खरी खोटी सुनाई है। नगर परिषद द्वारा जो 87 लोगों की किस्त रोकी गई है, उनकी किस्त डलवाने के संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल से लगभग इन लोगों की किस्त रुकी है और इनकी परेशानियाँ जान के हम भी परेशान हो गए हैं। इन महिला के पुत्र एक्सपायर हो चुके हैं और अभी तक इनको किस्त का लाभ नहीं मिला है। 5 रुपये सैकड़ी से पैसे लिए हैं, बच्ची छोटी है, कैसे देंगे ये सोच रहे हैं। बहुत सी समस्या है जनता के साथ जिसे प्रशासन अनदेखा कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास जो शाहपुर में दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। ये पूरा देश, केवल शाहपुर ही नहीं, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि प्रधानमंत्री जी शहरी आवास में, मतलब शाहपुर जैसे कस्बे में 1.5 लाख रुपये देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान 1 लाख रुपये देते हैं। 2-2.5 लाख रुपये हम लोग शाहपुर में देते हैं। परिषद में तीसरी किस्त डली नहीं है 87 हितग्राहियों की, तो उसके संदर्भ में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि किस्त जल्दी जल्दी नहीं डलती है तो उसके लिए हम धरना आंदोलन यहाँ पे करेंगे।